नमस्कार दोस्तों, मैं पावेश मुलिया स्वागत करता हूँ आपके इस यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम बैंकिंग और फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक को सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सुकन्या समृद्धि अकाउंट। जी हाँ, सही सुना आपने, जिसके घर में 10 साल से छोटी बेटी है उसके लिए तो काफी यूजफुल होने वाला है आज का ये वीडियो। अगर जिसके घर में 10 साल से छोटी बेटी नहीं है लेकिन उसके कोई रिलेटिव है, फ्रेंड सर्कल है, उसके घर में 10 साल से छोटी बेटी है, तो आप उसको गाइड कर सकते हो अकाउंट ओपनिंग करवाने के लिए। तो आज का वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए, 80-90% आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे सुकन्या समृद्धि अकाउंट के बारे में। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सुकन्या समृद्धि अकाउंट भारत सरकार की एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है, उसके अंतर्गत यह स्कीम को लॉन्च किया गया है। ये काफी अच्छी स्कीम है, काफी पॉपुलर स्कीम है, बहुत सारे लोगों ने अकाउंट इस स्कीम में खुलवाए हुए हैं। तो अभी बात कर लेते हैं इसके अकाउंट ओपनिंग के बारे में। पहले तो बात आती है एक अकाउंट ओपन कौन करवा सकते हैं। अगर आपके घर में 10 साल से छोटी बेटी है तो आप उसका अकाउंट ओपन करवा सकते हो। एक घर में मैक्सिमम 2 गर्ल चाइल्ड का अकाउंट ओपन हो सकता है। अगर ट्विंस है तो उस केस में आप तीसरा भी अकाउंट ओपन करवा सकते हो। ये तो बात हो गई अकाउंट ओपनिंग के बारे में। अभी अकाउंट ओपन कहाँ कहाँ हो सकता है, अकाउंट ओपन आप पोस्ट ऑफिस है, कोई भी सरकारी बैंक है और प्राइवेट भी बहुत सारे ऑथोराइज बैंक है जहाँ आप अकाउंट ओपन करवा सकते हो। और इसके लिए डॉक्यूमेंट की बात करें तो इसके लिए डॉक्यूमेंट में आपको बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट और एक फोटो और उसके गार्डियन यानी कि फादर या मदर दोनों में से कोई भी का पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक फोटो, अकाउंट आपका इजीली ओपन हो जाता है। अभी बात कर लेते हैं फीचर्स के बारे में। 250 रुपये से अकाउंट खुलता है और मैक्सिमम आप इसमें 1.5 लाख तक अमाउंट डिपोजिट करवा सकते हो। ऐसा नहीं है कि 250 रुपये से आपने अकाउंट खुलवाया तो हर महीने 250-250 रुपये ही क्रेडिट करना है। आप कोई भी अमाउंट क्रेडिट कर सकते हो, जैसे आप 1000 रुपये कर सकते हो, 2000, 3000, 5000, या अगर किसी महीने आपकी बचत नहीं होती तो नहीं भी कर सकते हो। अगर ऐसे लमसम डालना है 10000, 20000 तो ऐसे भी आप डाल सकते हो। लेकिन एक बात यहाँ पे नोट करने वाली है, टोटल जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा साल का वो 1.5 लाख के ऊपर नहीं जाना चाहिए और मिनिमम 250 रुपये तो आपको क्रेडिट करवाने ही होंगे। इसके टेनर के बारे में बात करें तो आपको 15 साल तक इसमें पैसे भरते रहना है और 6 साल ऐसे ही छोड़ देना है। 21 साल पे अकाउंट मैच्योर होता है, 21 साल पे आपको पूरे के पूरे अमाउंट मिलती है। अभी बहुत सारे लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन है, उसकी बेटी 5 साल की है, 6 साल की है तो कितने टाइम पे मैच्योर होगा। अगर आपकी बेटी 5 साल की है तो +21 यानी कि 26 साल पे अकाउंट मैच्योर होगा। अभी बात करते हैं इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। रेट ऑफ इंटरेस्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर क्वार्टर में डिसाइड करती है, अप डाउन होता रहता है, लेकिन जनरली सुकन्या समृद्धि का रेट ऑफ इंटरेस्ट रहे हमेशा दूसरे जो FD वगैरह है उससे हाई रहता है। अभी करंटली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7.6 चल रहा है, इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से काफ़ी अच्छा एक इन्वेस्टमेंट स्कीम है। अभी बात करते हैं विड्रॉल के बारे में। जनरली ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्कीम है, 21 साल बाद ये अकाउंट मैच्योर होता है। अकाउंट मैच्योर होने के बाद आप विड्रॉल ले सकते हो, लेकिन इसमें अगर आपको बीच में पैसे की जरूरत है तो उसका भी एक क्राइटेरिया है। जैसे आपकी बेटी 18 साल की होती है और आपको उसकी शादी या हायर एजुकेशन के लिए फंड की जरूरत है तो आप बीच में विड्रॉल कर सकते हो, लेकिन ये उसमें कंपलसरी 18 साल होना जरूरी है। उसमें आप 50% तक आप विड्रॉल अलाउड है तो ये काफ़ी यूजफुल है आपके लिए। अगर बीच में पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो आप ऐसे ही पैसे निकाल सकते हो। अभी बात कर लेते हैं अकाउंट क्लोजर के बारे में। जनरली ये 21 साल का पीरियड का अकाउंट है, 21 साल पे अकाउंट मैच्योर होता है, उसके बाद ही आप अकाउंट क्लोज करवा सकते हो। लेकिन बीच में अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस केस में भी आप अकाउंट क्लोज करवा सकते हो, या फिर आपके घर में कोई इमरजेंसी आ गई हॉस्पिटल राइट्स रिलेटेड तो भी उस केस में आप अकाउंट क्लोज करके फंड विड्रॉ कर सकते हो। अगर आपकी 18 साल बाद अगर आपकी बेटी की मैरिज है तो और फंड की आपको जरूरत है तभी भी आप अकाउंट क्लोज करके आप फंड विड्रॉ कर सकते हो, इसलिए काफी यूजफुल है आपके लिए इन्फॉर्मेशन। अभी बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट के बारे में। पहला तो बेनिफिट रेट ऑफ इंटरेस्ट है। जनरली आप कोई भी सिक्योर इन्वेस्टमेंट ले लो, फिक्स डिपोजिट ले लो, रिकरिंग डिपोजिट ले लो, या फिर कोई भी PPF कोई भी स्कीम ले लो, उसके कंपेरिजन में इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा हाई रहता है, इसलिए काफी रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से भी काफी अट्रैक्टिव स्कीम है। अभी दूसरे बेनिफिट के बारे में बात करें तो टैक्स रिलेटेड बेनिफिट है। इसमें आपको अगर जितने भी पैसे इन्वेस्ट करते हो हर साल वो आपको टैक्स में अंडर सेक्शन 80C में इनकम टैक्स के अंदर आपको डिडक्शन मिलता है। इसके ऊपर आप जो इंटरेस्ट अर्न करोगे वो भी आपको इंटरेस्ट बाद मिलता है और 21 साल बाद आपको जो लमसम बड़ा एक अमाउंट आपके हाथ में आने वाला है वो भी टैक्स फ्री है। अगर टैक्स के पर्पज से कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा स्कीम है। और एक बेनिफिट की बात करें तो इसमें सेविंग, इसमें ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट है और आपकी बेटी के लिए अगर फ्यूचर में हायर एजुकेशन और मैरिज रिलेटेड आपको खर्चों
खर्चे तो आने ही वाले हैं, उसको अभी से आप प्लान करोगे, मैनेज करोगे तो इजीली आपको उस टाइम में बर्डन नहीं होगा, वरना उस टाइम में आपको काफी बर्डन होता है, बाहर से लोन लेनी पड़ती है या दूसरे से इंटरेस्ट पे आपको पैसे लेने पड़ते हैं। इससे बेटर है, अच्छा अभी से आप, भले ही आप अभी आपका इनकम कम है तो आप 250 रुपये से अकाउंट ओपन करवा लीजिए, फिर उसमें 500 1000 जैसे आपका इनकम बढ़ता है उस हिसाब से इसमें सेविंग बढ़ाते जाइए। फिर भी 21 साल बाद आपके पास इतना लमसम अमाउंट आता है तो आप ही उस टाइम में मेरे जी हायर एजुकेशन में आपको काफी यूजफुल होने वाला है। इसलिए जनरल आप अगर जिसका अकाउंट नहीं है तो मेरे हिसाब से आप अकाउंट खुलवा ही लीजिए तो ये काफी यूजफुल होने वाला है। अभी हम देखते हैं कितना इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें कितना रिटर्न मिलता है। पहले हम देखते हैं 250 रुपये अगर आप हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हो 15 साल तक, और रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी मानो कि अभी है 7.6, तो कैलकुलेट करते हैं आपका टोटल डिपॉजिट वो होगा वो 45,000 रुपया होगा, उसके ऊपर टोटल इंटरेस्ट मिलने वाला है 82,000, और 21 साल बाद आपको जो मेच्योरिटी के टाइम में जो अमाउंट मिलने वाला है 1,27,000। मतलब आप खाली 250 रुपया हर महीने अभी से इन्वेस्ट करो तो भी आपको 21 साल बाद 1,27,000 रुपया मिलने वाला है। अभी यही अमाउंट हम कर देते हैं 500 रुपया कैलकुलेट, 500 रुपये में आप देखो आपका टोटल डिपॉजिट होगा 90,000, 90,000 रुपया, और आपको मिलने वाला है 2,50,000 रुपया। मतलब आप अभी से ही 500 रुपया खाली इन्वेस्ट करो 15 साल तक तो भी आपको 21 साल बाद मिलने वाला है 2,50,000 रुपया, तो ये भी अच्छी एक आपके लिए बेनिफिट वाली बात है। अभी हम यही अमाउंट कर देते हैं 2,000 रुपया। अभी आप हर महीने 2,000 आज से इन्वेस्ट करोगे 15 साल तक तो आपको कितना मिलने वाला है आप देख सकते हो। आपकी टोटल डिपॉजिट होगी 3,60,000 रुपया, और आपको मैच्योरिटी के टाइम में करीबन 10,20,000 रुपया जितना आपको मिलेगा। तो ये आप देखो अभी जितने आप अमाउंट ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे उतना ज़्यादा इंटरेस्ट आपको मिलता है, इसलिए आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। अभी कैलकुलेट करते हैं 5,000 के लिए, अगर आप 5,000 रुपये अभी से इन्वेस्ट कर ले करते हो हर महीने 15 सालों के लिए तो 21 साल बाद आपको मिलता है 25,51,000, मतलब 25.5 लाख रुपये आपको मिलता है 5,000 रुपये पे। यही अमाउंट हम कर देते हैं 10,000। अगर आप 10,000 इन्वेस्टमेंट करते हो तो 18 लाख टोटल आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, और उसके सामने मिलेगा आपको 51 लाख रुपया। अभी यही अमाउंट जो मैक्सिमम अभी हमारी लिमिट है 12,500, क्योंकि साल में आप 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं भर सकते हो, ये मैक्सिमम लिमिट पे हम काउंट करें तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाता है 22.5 लाख रुपया, और उसके सामने जो टोटल रिटर्न मिलता है 64 लाख रुपया है। देखो हर साल आप 1.5 लाख रुपये 15 साल तक इन्वेस्ट करते हो तो आप कितना रिटर्न मिलता है, 64 लाख रुपया आपको रिटर्न मिलता है। ये पहले साल अगर आप इंटरेस्ट देखो तो आपको इंटरेस्ट होगा 6,000, दूसरे साल 18,000, तीसरे साल 30,000, ऐसे ही पहले 10 सालों तक आपको इंटरेस्ट लगेगा नॉर्मल। ये देखो आप पहले 10 सालों तक आपको नॉर्मल इंटरेस्ट लग रहा है, लेकिन जैसे ही 10 साल ख़त्म होते हैं इसमें कंपाउंडिंग पावर इफेक्ट चालू हो जाता है। आपने कंपाउंडिंग पावर इफेक्ट तो पहले से ही चालू होता है, लेकिन 10 साल बाद आपको दिखने लगता है। आप देखो 10वें साल बाद कितना इंटरेस्ट मिलता है, तो लास्ट तक 10वें साल बाद आपको डबल, 1.5 लाख डाल रहे हो उसके सामने 1.5 लाख इंटरेस्ट मिल रहा है, दूसरे साल 1.25 लाख, 2 लाख, 2.25 लाख, 2.5 लाख, लास्ट में आप देखो 4.5 लाख रुपया तो इंटरेस्ट मिल रहा है। यही सब इंटरेस्ट का ही खेल है, इसलिए आप अभी से ही इन्वेस्टमेंट चालू कर दो। लॉन्ग टेनर 21 साल जैसे ही पूरा होता है तो काफ़ी अच्छा अमाउंट आपके हाथ में आने वाला है, तो काफ़ी अच्छी स्कीम है आपके लिए। तो देखा आपने सुकन्या समृद्धि अकाउंट के बेनिफिट के बारे में। अगर आपकी बेटी का अकाउंट नहीं है तो आज ही बैंक ऑफ बड़ौड़ा की ब्रांच विजिट करके आप अकाउंट खुलवा लीजिए, काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। तो चलो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।